गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे ऑन 15 सितंबर 2020 वी विल डू इंग्लिश वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 9th. दिस वर्कशीट इज़ अबाउट अ पोएम विंड रिटन बाय सुब्रमण्य भारती इन तमिल एंड वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय ए के रामानुजन. इन दिस पोएम द पोएट इज़ टॉकिंग टू द विंड. इस पोएम में पोएट जो है वो विंड से, हवा से बात कर रहे हैं. ही आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली. वो विंड से कहते हैं आराम से आओ, धीमे से आओ, सॉफ्टली आओ. द पोएट ऑल्सो सेज दैट विंड शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड कम डेलिकेटली एंड सॉफ्टली. वो विंड से कहते हैं कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इतनी तेज़ी से नहीं आना चाहिए, उसे डेलिकेटली और बहुत सॉफ्टली आना चाहिए. देन ही डिस्क्राइब्स, उसके बाद वो वर्णन करते हैं दैट पावरफुल विंड इज़ डिस्ट्रक्टिव, कि जो बहुत तेज़ विंड आती है, पावरफुल विंड होती है, जो आंधी होती है, वो विनाशकारी है. एंड इट ब्रेक्स द शटर्स एंड विंडोज़, और वो तोड़ देती है शटर्स और विंडोज़ को. एंड स्कैटर्स, और बिखेर देती है द पेपर्स को. हेयर द विंड सिंबलाइजेस हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस इन आर लाइफ. यहाँ पर विंड जो है उसको किससे सिंबलाइज किया गया है, कि जो हमारे जीवन में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या चैलेंजेस होते हैं या मुसीबतें होती हैं, उन सब के साथ इसकी तुलना की गई है. दिस पोएम गिव्स अस अ मैसेज. ये पोएम हमें एक मैसेज देती है दैट देयर आर मैनी हार्डशिप्स इन आर लाइफ, कि हमारे जीवन में बहुत सी हार्डशिप्स हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं. बट इफ़ वी फेस द हार्डशिप्स स्ट्रांगली, ब्रेवली, अगर हम इन हार्डशिप्स का बहुत बहादुरी से और बड़ी हिम्मत से अगर हम इनका सामना करते हैं, दे मेक अस मोर स्ट्रांगर, तो वो हमें और भी स्ट्रांगर बना देती हैं. बट इफ़ वी बिकम वीक, लेकिन अगर हम वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो दीज हार्डशिप्स मेक अस मोर वीकर एंड दे विल मेक फन ऑफ अस. तो ये हार्डशिप्स, ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन में जो आती हैं, ये हमें और भी ज़्यादा वीक कर देती हैं और हमारा मजाक भी उड़ाती है. नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. First of all, write your name here, then your teacher's name here. Wind. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Poet jo hai, wo wind se keh rahe hain, aram se aao, dheeme se aao. Window ke shutters ko todo mat. डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, मत बिखेरो पेपर्स को. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर से बुक्स को नीचे मत गिराओ. देयर, लुक व्हाट यू डिड, देखो वो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को टोर कर दिया, मीन्स फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन, जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो उसके बाद बारिश आती है, तो पोएट कह रहे हैं तुम अपने साथ किसको लाई, रेन को, बारिश को. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चलाक हो. कौन चलाक है, विंड. क्यों, क्योंकि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो. Poking fun at weakling means कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाना. Frail, frail means कमज़ोर, weak. Crumbling houses, crumbling means चरमराते हुए घर. Houses means घर, crumbling means चरमराते हुए. Crumbling doors, चरमराते हुए दरवाजे. Crumbling rafters, rafters क्या होता है, जब हम छत डालते हैं तो उसके ऊपर beam होता है, that is called rafters. तो वो भी चरमरा रहे हैं. Crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. लकड़ी, bodies, हमारी जिंदगियाँ, हमारा दिल जो crumbling है, जो चरमराए हुए हैं,
जो वीक हैं उन सब का तुम क्या करती हो, मजाक उड़ाती हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल. ये जितने भी कमज़ोर चीज़ें हैं विंड गॉड क्या करता है, इनको विनो करता है. एक प्रोसेस होता है जिसमें भूसे को ग्रेन से अलग कर दिया जाता है, उसे कहते हैं विनोज. तो विंड गॉड क्या करता है, वो भी एक प्रोसेस करता है जिसमें ये कमज़ोर लोगों को अलग करके और उनको क्रश कर देता है. ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. वो वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे. सो कम, इसलिए आओ. लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. हम अपने घरों को मजबूत बनाएं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. अपने घरों के दरवाज़ों को फर्मली बंद करें, अच्छे से बंद करें. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. अपनी बॉडी को फॉर्म बनाएं, मजबूत बनाएं. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. अपने दिलों को मजबूत करें. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. ऐसा करो तो विंड तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी. मीन्स अगर हम अपने जीवन में आने वाली हार्डशिप्स का ब्रेवली मुकाबला करते हैं तो वो हार्डशिप्स जो हैं वो हमें कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकती और हम उन्हें ओवरकम कर जाते हैं, हम उन्हें जीत लेते हैं. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. ये जो विंड है, ब्लोज आउट मीन्स बुझा देती है जो वीक फायर है, जो कमज़ोर फायर है उसको बुझा देती है. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं, जो बहुत तेज़ फायर जल रही हो, अगर उस वहाँ पर विंड आ जाए तो उससे वो फायर और भी ज़्यादा फ्लरिश हो जाती है, पनपती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है. वी प्रेज हिम एवरी डे. और हम उसे रोज़ाना प्रेज करते हैं. तो यहाँ पर देखिए, इस पोएम में हमने देखा विंड के बारे में, और इस पोएम में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज़ हुई हैं, वो हम देखते हैं. सबसे पहले आप देखेंगे, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो. तो यहाँ पर किसी लाइन के जब फर्स्ट वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती है उसे कहते हैं एनाफोरा. तो यहाँ एनाफोरा को यूज़ किया गया है. उसके बाद हम देख रहे हैं कि विंड जो है इसको किससे सिंबलाइज़ किया गया है, किससे विंड को ऐसे बात की गई है विंड के साथ जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हो, जीता जागता इंसान हो. इसके लिए पोएट ने यू वर्ड यूज़ किया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. ये देखिए यू. इसके बाद उसने कहा है ही वोंट ही, यहाँ पर इसने यूज़ किया है. तो यू ही ये विंड के लिए यूज़ हुआ है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज़ की गई है, पर्सोनिफिकेशन. इसके बाद हम देखते हैं कि एक ही वर्ड का बार बार रिपीट किया गया है. देखिए जैसे क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, इन क्रम्बलिंग वर्ड का बार बार यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर रेपिटेशन है. तो ये तो हो गया हमारा पोएट के बारे में, पोएम के बारे में कि यहाँ हमने कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है. राइट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हमें आंसर करना है. नंबर वन देखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम. इसके पोएट कौन है. ऑप्शन नंबर थ्री, सुब्रमण्या भारती. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश स्कैटर्ड द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. विंड, ऑप्शन नंबर फोर. नेक्स्ट, द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस इफ पीपल डू व्हाट द पोएट सेज. आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज द पोएट What does the wind god do to weaklings? इसका आंसर देखिए, poke fun at, crushes them, don't spare them. तीनों ही आंसर्स ठीक हैं. तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज. द पोएट आस्क पीपल
टू बिल्ड स्ट्रांग होम्स, यस, फॉर्म द बॉडी, बॉडी को स्ट्रांग बनाएं, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिलों को मजबूत करें. तो ये तीनों ही आंसर्स ठीक हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. तो इसका आपका आंसर हो गया आंसर नंबर 2. नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइजेस इन द पोएम. विंड किसको सिंबलाइज कर रहा है पोएम में? डिफिकल्टीज को, यस. चैलेंजेस, यस. हार्डशिप, यस. तो तीनों ही ठीक हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, द पोएम सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली, बहादुरी के साथ हमें अपने चैलेंजेस को फेस करना चाहिए एंड स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमें मजबूत बने रहना चाहिए. विच वर्ड इज़ द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम. अनवेवरिंग मतलब चरमराना, क्रम्बलिंग, CRUMBLING, ऑप्शन नंबर 2. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, हैव अ गुड डे. Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.